उमेश पाल हत्याकांड में लगातार फरार चल रही माफिया डॉन अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज थाने में नया मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मुकदमे में उसे भगोड़ा घोषित किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की थी। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत 15 दिन पहले कोर्ट में रिपोर्ट लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने शाइस्ता को हाजिर होने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया था। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की करोड़ों की बेनामी की संपत्ति उत्तर प्रदेश के कई शहरों में है। इसे लेकर उसके गुर्गों के बीच में खींचतान भी जारी है। पुलिस का मानना है कि कहीं ना कहीं जैनब और शाइस्ता भी इस एंगल में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में पुलिस के लिए एक अच्छा मौका है इन दोनों पर शिकंजा कसने का। बावजूद इसके जब शाइस्ता कोर्ट में हाजिर नहीं हुई तो कोर्ट के आदेश पर धूमनगंज थाने की पुलिस ने आईपीसी की धारा 174A के तहत एक नया मुकदमा दर्ज किया है। बता दें, अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस उसकी तलाश में दिल्ली से लेकर नेपाल तक दबिश दे चुकी है। यहां तक कि शाइस्ता के रिश्तेदारों से भी कई दौर की पूछताछ हो चुकी है। बावजूद इसके अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस ने पिछले दिनों कोर्ट में रिपोर्ट लगा दी। इसमें बताया गया था कि वो अंडरग्राउंड हो गई थी। इसके बाद कोर्ट ने उसके खिलाफ भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू की थी। धूमनगंज थाने की पुलिस ने बताया कि इसी कार्रवाई के तहत शुक्रवार की देर रात शाइस्ता परवीन समेत अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 174A के तहत नया मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ थे। जैनब फातिमा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एंटी सेक्रेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन दी थी, जिस पर सितंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई होगी। इस बिंदु को लेकर भी प्रयागराज की पुलिस सक्रिय है। वहीं दूसरी ओर माफिया अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा की गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ा मौका पुलिस के पास फिर आया है। ये मौका है अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद 3 महीने और 10 दिन की मियाद पूरा होने का, जिसे इस्लाम में इद्दत कहा जाता है। इद्दत के दौरान मुस्लिम महिला किसी गैर मर्द से ना तो मिल सकती है और ना ही बात कर सकती है। यही वजह है कि जब भी जैनब फातिमा और अतीक के वकील विजय मिश्रा के मुलाकात की बात सामने आती है तो अतीक के परिजन इद्दत का हवाला देकर इसे टाल देते हैं। हालांकि ये साफ नहीं हो पा रहा था कि दोनों इद्दत में हैं या नहीं। वही मियाद पूरी होने के साथ ही पुलिस की सरगर्मी बढ़ गई है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा की इद्दत की मियाद पूरी हो गई है। मियाद पूरी होने के साथ ही अचानक प्रयागराज पुलिस भी सक्रिय हो गई है। इनके अलावा अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन, अशरफ की बीवी जैनब फातिमा, अतीक की बहन आयशा नूरी, शूटर और बमबाज गुड्डू मुस्लिम, अरमान और शाबिर को नामजद किया गया था। अतीक और अशरफ तो मारे जा चुके हैं, वहीं बाकी के आरोपी अभी तक फरार हैं। इनमें पुलिस की ओर से शाइस्ता परवीन के खिलाफ 50,000 तो अन्य गुर्गों पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस ने सभी आरोपियों को सर्विलांस पर लगाया है, लेकिन इनका कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में पुलिस एक एक कर इन तमाम आरोपियों को भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई कर रही है।